110 किलोमीटर यहाँ से सम है, तो लगभग 200 किलोमीटर की अभी हमारी जर्नी है। हम लोग आ रहे हैं हिमाचल से। क्या ऑल इंडिया का टूर है क्या? नहीं, राजस्थान का है हमारा। आज हमारी राजस्थान राइड का डे 3 है और हम लोग आज सुबह जल्दी उठ गए थे, तकरीबन 4:45 बजे उठ गए थे। 4:45 बजे उठ के हम लोगों ने अपना सामान वगैरह पैक किया, नहा गए हम लोग और बस अब जस्ट बाइक पे सामान माउंट करना है। 7:40 होने वाले हैं और आज की गाइज हमारी जो राइड रहेगी वो रहेगी जैसलमेर टू लोंगोवाला। पहले हम लोग लोंगोवाला पोस्ट जाएंगे जो कि यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर के करीब है। उसके बाद हम तनोट माथा जाएंगे, तनोट माथा से हम लोग वापस सम विलेज जाएंगे और आज का जो हमारा नाइट स्टे होगा वो होगा सम में। तो सम में हम लोगों ने अपने कैंप्स जो है वो बुक ऑलरेडी करवा दिए थे कल। जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा और जो लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं, पर आई बटन में लिंक आ रहा है तो आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखें। बहुत बढ़िया वीडियो था जैसलमेर फोर्ट का और लोकल हमने जैसलमेर एक्सप्लोर किया। और अब आपसे हम लोग बाइक पे चलते चलते बात करेंगे। जय माता की, जय माता की। तो भाई साहब अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से। होटल हमारा ये होटल ग्रीन विलास, बिल्कुल जैसलमेर फोर्ट के साथ ही नीचे। तो देखिए ट्रिप मीटर मैंने ज़ीरो कर दिया है यहाँ से और टोटल किलोमीटर 1850 हुए हैं, 7:51 हुए हैं। तो अब हम चलते हैं, राइड करते हैं अपनी स्टार्ट। जय माता की, रक्षा करना माता। चलो जी, मौसम ठीक है, सुबह सुबह अच्छा मौसम है। ठीक है आसिफ भाई, फिर मिलेंगे। ये था हमारा होटल ग्रीन विलास, ऊपर रेस्टोरेंट है टेरेस पे इसके। सिटी ये बहुत सुंदर है, बस यहाँ थोड़ा सा अगर सफाई का ध्यान देना। ये है जी चौक, जैसलमेर का मेन चौक है वायुसेना स्टेशन जैसलमेर। यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे, बाय बाय जैसलमेर। हाँ हाँ, ठंडा है, अच्छा हुआ स्वेटर डाल ली थी और गर्म मैंने टी शर्ट पहन ली है। ये आ गए अब हम लोग 4 लेन वाले रोड पे तनोट के लिए। रोड का काम चला है, बहुत बढ़िया रोड बन गया है। देखिए कितना खुला चौड़ा रोड है। हाँ हाँ, मज़ा आएगा यहाँ से तो राइड करने का। तो यहाँ से जो तनोट है वो 114 किलोमीटर है, रामगढ़ 60 किलोमीटर है। तो रामगढ़ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है, देखिए कितने सारे कैमल्स रोड के ऊपर। अरे वाह, ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल जाए रास्ते में तो और क्या चाहिए भाई। दोस्तों इस टाइम हम लोग पहुंच गए हैं रामगढ़ में। रामगढ़ है वो जगह जहां जैसलमेर से हम लोग तनोट की तरफ आते हैं या लोंगेवाला की तरफ आते हैं। तो जैसलमेर से 65 किलोमीटर पड़ता है ये। तो ये एक मेन स्टेशन है, जब आप जैसलमेर से यहां आते हो यहीं आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जब भी आप जैसलमेर से आएँ इस तरफ और बिना ब्रेकफास्ट नहीं आए तो आप यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये जैन रेस्टोरेंट है और यहाँ हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने पनीर परांठा ऑर्डर यहाँ कर दिया है। पनीर पराठा ऑर्डर कर दिया था हमने, तो आ गया है, बहुत बढ़िया है देखिए। और तंदूरी है विदाउट ऑयल, बटर लगा हुआ है और ऊपर से धनिया स्प्रिंकल किया हुआ है इसमें। और देखिए आप, स्टफिंग में आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया से पनीर डाल के बनाया है। तो टेस्ट करते हैं, ऐसी जगह में अगर इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाए और इतना नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है तो और क्या चाहिए। क्यों वीरेंद्र भाई,
अब टेस्ट करो, आप बताओ कैसा है। ठीक है, टेस्टी है। बस यहाँ पे राजस्थान में मेरे ख्याल ये तीखा ज़्यादा खाते हैं, मिर्च है ना। यहाँ पे सब जगह कहीं भी आप जाइए, यहाँ पे मिर्ची ज़्यादा खाते हैं और लाल मिर्च का ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे। बट बहुत बढ़िया है। हाँ जी, क्या हाल है जी? कैसे हैं? अच्छा, देखा मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगा, बोले स्पेशली मंगाया गया है। ये बाइक के लिए ही होता है। जी जी, कैमरे लगे। तो ठीक है जी, हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ओके जी, बाय बाय। चल पड़े हम लोग। भाई साहब, जहाँ भी हम लोग रुकते हैं, बाइक्स खड़ी करते हैं, लोग सरप्राइज होते हैं इन बाइक्स को देख के और बड़े खुश होते हैं। तो भाई साहब बड़े हैरान हो गए कि हिमाचल से इतनी दूर से बाइक्स पे आए हैं। और हम लोगों को जो है रामगढ़ पड़ा जैसलमेर से 69 किलोमीटर पूरा। ये देखिए, तो लोंगे वाला जो है वो 43 किलोमीटर है और तनोट दिखा रहा है 81 किलोमीटर। फाइटर प्लेन्स जा रहे हैं अभी ऊपर से, आपको आवाज़ आ रही होगी फाइटर प्लेन्स की। 6-7 फाइटर प्लेन्स गए अभी। हम लोग 11 बजे जो है यहाँ लोंगोवाला पोस्ट पे पहुँच गए हैं और जैसलमेर से लेके लोंगोवाला जो है 120 किलोमीटर्स है, जिसमें हम लोगों को 3 घंटे लगे। और आप मेरे पीछे अब देखिए, ये है लोंगोवाला पोस्ट और यहाँ से अब मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ और दिखाते हैं। ये वो जगह है गाइस लोंगोवाला, जहाँ 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी और इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराया था। तो उसके याद में यहाँ पर युद्ध स्थल बना हुआ है। पीछे आप ये देखिए, पाकिस्तान के टैंक्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो उस वॉर में इंडियन आर्मी ने जीते थे। तो चलिए अब देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लोंगोवाला पोस्ट को। टाइम हम लोग हिंदुस्तान के उस आखिरी टुकड़े पर खड़े हुए हैं जहां पे 1971 की वॉर हुई थी और हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने, 120 जवानों ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान सेना को यहां से खदेड़ा था, उनकी पूरी टैंक रेजिमेंट को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया था। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इस सरजमीं तक यहां पहुंचे हैं और मैं आपको अपने कैमरे की मदद से इस जगह का नज़ारा दिखा रहा हूं और ये जगह दिखा रहा हूं। ये जगह कितनी पावन और पवित्र है, जहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स ने ड्यूटी के दौरान शहादत पाई थी। यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं। दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से 11:50 पे तनोट के लिए। तो तनोट जो है वो यहाँ से 40 किलोमीटर है और तनोट से हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ से जो सीधा रास्ता गया था पीछे, ये जाता है सम के लिए। तो 110 किलोमीटर यहाँ से सम है, तो लगभग 200 किलोमीटर की अभी हमारी जर्नी है। इस टाइम हम लोग बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, तो जैसलमेर से लेके लोंगेवाला, तनोट और सम तक के रास्ते बहुत अच्छे हैं। रास्ते में आपको कहीं भी कैमल सड़क पर मिल जाएंगे देखते हुए कि आपकी खूबसूरत सड़क है दूर तक दिखाई दे रही है। तनोट पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच गए हैं यहाँ पे तनोट माता मंदिर में और बस अब हम लोग पहले यहाँ परमिशन लेंगे, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो बॉर्डर एरिया की यहाँ से परमिशन मिलेगी, वो ले लेते हैं हम लोग परमिशन और उसके बाद फिर
माता के दर्शन करेंगे और जो भी एरिया है एक्सप्लोर करने वाला है वो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। तो दोस्तों सीन अब कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोगों को जो है वो परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि परमिशन यहाँ पे मिल रही है सिर्फ फोर व्हीलर्स के लिए। इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ सिर्फ जो माता का मंदिर है तनोट माता का उसके दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से सम विलेज के लिए जाएंगे। यहाँ इसकी टॉप स्पीड आप चेक करते हैं कितनी टॉप स्पीड पर जाता है ये, हवा बहुत ज़्यादा है तो देखते हैं 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 211 तक ये यहाँ जा रही है। एक्चुअली विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो इसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्पीड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे अभी 2000 किलोमीटर जस्ट अभी तनोट में कंप्लीट हुए हैं। बट मैं चेक ये कर रहा था कि इतनी स्पीड में कितने इंजन में वाइब्रेशन आती है, कितना नॉइस आता है और कितनी गाड़ी स्मूथ चलती है, तो भाई साहब बिल्कुल भी नॉइस नहीं है इंजन में, कोई वाइब्रेशन नहीं थी। तो दोस्तों बस अब हम लोग तनोट से निकल रहे हैं सम विलेज के लिए, तो शाम को हमारी जो सम विलेज में वो बुकिंग है रिसॉर्ट में, के रिसॉर्ट्स में, और बस यहाँ से सम विलेज जो है तकरीबन 90 किलोमीटर्स के करीब है, तो बस अब हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों अब मिलते हैं सीधे आपसे हम लोग सम विलेज में। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर सैंड ड्यून्स में सम विलेज में, और तकरीबन हम लोग यहाँ 4:10 पे पहुंच गए थे। ये जो आप मेरे पीछे कैंपिंग साइट देख रहे हैं ये है के रिजॉर्ट्स एंड कैंप्स, जो कि हमने जैसलमेर फोर्ट में इनका जो ऑफिस है रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ से हमने बुक किया था। जो हमें यहाँ पर टेंट रूम्स पड़ा है ये 1500 पर पर्सन पड़ा है, तो हम लोग दो हैं तो 3000 में हमें ये पूरा टेंट मिल गया है, और इसमें इंक्लूड है हमारा वेलकम ड्रिंक्स हैं इसमें और टी एंड स्नैक्स हैं, साथ में रात का डिनर है और यहाँ कल्चर एक्टिविटीज़ होंगी शाम को वो करेंगे, और साथ में कैमल राइड इसमें इंक्लूड है और सुबह का ब्रेकफास्ट और बेड टी भी इंक्लूड है इसमें। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ का कैंप का एक नज़ारा दिखाता हूँ और अंदर चल के हम लोग टेंट देखेंगे कि ये टेंट रूम्स कैसे हैं। ये आ गए हम लोग, देखिए ये इस तरह से है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सारी फैसिलिटीज हैं, बढ़िया गद्दे हैं यहाँ पर लगे हुए, नीट एंड क्लीन रूम है, देखिए फैन लगा हुआ है यहाँ पे, दो चेयर्स हैं, एक दो छोटे टेबल हैं, एक बड़ा टेबल है यहाँ पर, सेंटर टेबल है, अंदर वॉशरूम है यहाँ पे, ये देखिए ये है यहाँ का वॉशरूम, और ये चार्जिंग पोर्ट्स हैं यहाँ पे, स्विचेस हैं यहाँ पे सारे, और एक चार्जिंग पोर्ट जो है वो दूसरा यहाँ पर है, और इसमें आपको ये लोग दो मिनरल वाटर साथ में देते हैं यहाँ पर, और ऐसा कुछ ये मेरे टेंट रूम से यहाँ से नज़ारा है। तो गाइस हम लोग अब इंजॉय कर रहे हैं, राइड ले रहे हैं कैमल राइड सैंड ड्यून्स में। इस टाइम गाइस हम लोग हैं माइकल के ऊपर, अपना हमारा कैमल जो है इसका नाम है माइकल, और कैमल के जो मालिक हैं उनका नाम है कासिम जी। ये हमारा माइकल है, देखिए हम लोग हैं कैमल राइड कर रहे हैं और हमारा माइकल हमारे साथ है, तो चल भाई माइकल चलें। ये देखिए हम लोग अपने माइकल को लेके जा रहे हैं, माइकल हमें लेके जा रहा है, हम नहीं जा रहे माइकल को लेके। ये है के
फ्रेंड्स, तो रात के 10:30 बज गए हैं। अब हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है, यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज हम देख कर आ गए हैं और बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। डेटा वगैरह ट्रांसफर हो गया और वीरेंद्र भाई मेरी इंतजार कर रहे हैं कि कब व्लॉग एंड होगा और कब सोने को मिलेगा। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये नीचे जो बेल आइकन आ रहा है इसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।